हेलो एवरीवन, सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहां पे आप जो है कि आईसीआईसीआई बैंक का आप जीरो बैलेंस अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन। सो किस तरह से ओपन करना है वो भी बिना वीडियो केवाईसी के और ऑनलाइन और बिना आधार ओटीपी के थ्रू। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखते रहिएगा और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि ये जो नॉलेज है वो लोगों को भी मिल पाए। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिरजू कुमार, आप देख रहे हैं टेक हिंदी विद बिरजू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको आईसीआईसीआई बैंक का इस वेबसाइट में आ जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट BSBDA, ये जो है कि आईसीआईसीआई बैंक का जो है कि यहाँ पे BSBDA का जो है कि जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है। तो यहाँ पे आप इसे इंजॉय ज़ीरो बैलेंस अकाउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस अकाउंट का कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लिया जाएगा और ना ही यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का बैलेंस जो है कि मेंटेनेंस करना होगा, क्योंकि ये जो अकाउंट है ये अकाउंट जो है कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, जो कि ऑफरिंग के साथ यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट भी दिया जाता है ज़ीरो बैलेंस के साथ। तो इस अकाउंट को आप जो है कि किस तरह से ओपन कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इसका बेनिफिट एस फीचर्स की, तो यहाँ पे आप एक्सेस टू, यहाँ पे आप जो है कि 15,000 से प्लस ATM अक्रॉस इंडिया में जो है कि देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे नो मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस की रिक्वायरमेंट की, तो यहाँ पे आपको जो है कि जीरो देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पे नो इंटेल डिपॉजिट नीडेड टू ओपन योर अकाउंट, यहाँ पे ये भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ऑफर ए सिंगल या फिर आप जॉइंट अकाउंट जो है कि होल्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है कि फ्री में रुपए का डेबिट कार्ड का फैसिलिटी भी दिया जाता है। साथ में यहाँ पे आपको जो है कि आप फ्री में कैश डिपॉजिट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप जो है कि फ्री में कैश डिपॉजिट कर सकते हो, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। साथ में यहाँ पे आपको फ्री में पासबुक का भी फैसिलिटी दिया जाता है। यहाँ पे बात करूँ इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की, तो ये भी आपको अवेलेबल मिलता है यहाँ पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग दे दिया जाता है। अब बात करूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की, तो यहाँ पे आप जो है कि कंप्लीट KYC डॉक्यूमेंट, तो इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका और भी जो डिटेल है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसका जो डिटेल है यहाँ पे, सबसे पहले मैं बात करूँ इसका इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अभी आप इसका इंटरेस्ट रेट सेविंग फॉर्म देख सकते हो, जो कि 3% का इसका सेविंग इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इसमें FD करते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो, तो यहाँ पे आपको 3% का जो है कि यहाँ पे आपको जो है कि इसका इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाते हैं। और यदि आप इस पर पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो इस पर आपको जो है कि 10.85% का जो है कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाते हैं। इसका यहाँ पे रिपो रेट यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि 6.50% का इसका इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ से इसे बैक कर देता हूँ, आप इसके बारे में और भी चाहे तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे। तो एलिजिबिलिटी पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे बताया गया है यू आर एन इंडियन रेसिडेंट अबाउ 18 ईयर्स ऑफ एज, आपका जो एज है जो कि 18 साल तक होना चाहिए और आप जो है कि यहाँ पे NRI नहीं होना चाहिए। यदि आप NRI हो यहाँ पे तो आप इस अकाउंट को नहीं ओपन कर सकते हो। आप जो है कि इंडिविजुअल हो तो ही आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो, NRI हो तो आप नहीं ओपन कर पाओगे यहाँ पे। यहाँ पे आपको बताया गया है यू डो नॉट होल्ड एनी अदर सेविंग अकाउंट इंक्लूडिंग एस यहाँ पे BSBDA विथ US, या आपका कोई भी अकाउंट जो है कि होल्ड नहीं होना चाहिए तो आप जो है कि ओपन नहीं कर पाओगे यहाँ पे। साथ में आपको यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपका जो BSBDA का अकाउंट है उसके अलावा यहाँ पे कोई अदर अकाउंट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आपको बताया गया है यू आर अप्लाइंग फॉर द अकाउंट इन इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड द नॉट द कैपेसिटी ऑफ द
यहाँ पे करकटा ऑफ हिंदू इंडवर्स फैमिली, तो यहाँ पे ये भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप अच्छी तरीके से आप एक बार इसे रीड कर लें। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट केवाईसी डॉक्यूमेंट। यहाँ पे अभी बात करो तो यहाँ पे फोटो और आईडी प्रूफ पर बैंक, यहाँ पे एप्लीकेबल है लिस्ट डॉक्यूमेंट, पेन कार्ड इशूड इंडियन होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वैलिड प्रूफ या फिर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो, लेकिन आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे बैंक एप्लीकेबल है, जो कि डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ पे दे सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे आप अपने ही अनुसार जो है कि यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म बेसिक सेविंग अकाउंट फील्ड बाय द कस्टमर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अभी यहाँ पे आप अकाउंट ओपन विथ कंप्लीट केवाईसी विल नॉट हैव ए कैप ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिमिट, ऑल द अदर फीचर विल रिमेन द सेम, यानी कि सेम ही फीचर आपको इसमें मिलेंगे। तो पहले यहाँ पे आपको केवाईसी को कंप्लीट करना होगा, तो ही आप जो है कि यहाँ पे इसे यूज कर पाओगे। अभी बात करूँ तो इस अकाउंट को आप ओपन किस तरह से कर सकते हो, तो यहाँ पे ओपन करने के लिए आपको जो है कि यहाँ पे आपको ओपन करने के लिए अकाउंट को यहाँ पे BSBDA अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ब्रांच में विजिट करना होगा, तो ही आप ओपन कर सकते हो। इसके अलावा यदि और भी कोई डिटेल चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो है कि अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस जो है कि बता दिया है, तो इस अकाउंट को जो है कि पहले आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते थे, लेकिन अभी जो है कि यहाँ से ऑनलाइन का प्रोसेस हटा दिया गया है। तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको एक बार ब्रांच में विजिट करना होगा। सो वहाँ से आप जो है कि इसका अकाउंट को ओपन कर सकते हो ब्रांच में विजिट करके ही। ऑनलाइन का प्रोसेस अभी बंद कर दिया गया है, तो जैसे ही इसका ऑनलाइन का प्रोसेस आ जाएंगे तो मैं आपको आगे ही अपडेट दे दूंगा, कोई ना कोई वीडियो में आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।